तो अंग्रेजों के टाइम से डाटा लेके बैठा हूँ और उठा रहा हूँ। आप इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया उठा के देखिएगा, जीडीपी की अगर आप उसमें देखिएगा ईयर वाइज, तो हाईएस्ट -5% गई है। ये नोट कर लीजिए फिगर, हाईएस्ट -5% पहले के दशकों में भी गई है, सन 70 में, सन 65 के दशक में, 80 के दशक में गई है। अनुराग भदौरिया जी कुछ कह रहे हैं, एक मिनट अनुराग जी को लेते हैं। लेकिन संपूर्ण स्वराज मिलने के बाद 70 सालों के बाद भी नेताओं के चक्कर में संपूर्ण रोजगार नहीं मिला, संपूर्ण रोजगार आप पार्टियां सारी मिलकर कब देंगे? चलिए एक हमारे साथ एके मिश्रा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। ये लोकतंत्र मिश्रा जी, आवाज दबा दीजिए, ये आप देख ही रहे हैं। शुरुआत से जब से बेरोजगारी का मुद्दा शुरू होता है, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं, कोई किसी की पार्टी पर हमला करता है तो कोई किसी की पार्टी पर। आखिरकार एक युवा अगर एक सवाल पूछने का हक रखता है कि बेरोजगारी देश में क्यों है, रोजगार अगर आपने देने का वादा किया था तो वो रोजगार कहां है, कहां हमारे परिवार को हम भरण पोषण कर पाएंगे उनका, क्या ये पूछने का हक भी नहीं है? क्या इसी टाल मटोल में रह जाएगा हर एक युवा? नहीं, केवल पूछने का हक ही नहीं मैम, बल्कि रोजगार पाने का भी हक है और अधिकार है, संविधान ने भी ये दिया हुआ है। सर वो तो लगता नहीं, ये नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सरकार किसी की भी रही हो, रोजगार का मुद्दा, रोजगार न होना अंग्रेजों के जमाने से है और आज तक इसका समाधान नहीं हो पाया, निकट भविष्य में भी इसका समाधान मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि सब लोगों के लिए या अधिकांश लोगों के लिए जो काम कर सकते हैं, रोजगार डेवलप करना एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, बहुत बड़ी चुनौती है। मैं दोनों अपने नेताओं को सुन रहा था, मैं एक फर्क यहाँ बताना चाहूंगा कि उस वक्त जब घंटा और घड़ियाल और यह थाली बजाई गई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया था, और जो अभी हो रहा है, दोनों के नेचर में, डायनामिक्स में, मैकेनिज्म में फर्क है। उस वक्त सुरक्षा के लिए बजाई गई थी कि ताकि एक दिन में ही लोगों को सूचना मिल जाए, लोग जागरूक हो जाए, इस महामारी से सावधान रहे और जान बच जाए। बहुत से लोगों की जान बची है, कोरोना का इलाज नहीं निकला है, कोरोना फैला है। ये एक ऐसी आपदा आई कि जैसे मान लीजिए ऑल ऑफ सडन बाढ़ आ जाए, कुछ आ जाए, जहां पे कि पूरी मानव सभ्यता, पूरा विज्ञान असहाय हो जाता है। लॉकडाउन के कारण नौकरियां गई हैं, नौकरियां उसके पहले भी कम हो रही थी और आगे आने वाले दिनों में भी जिस तरीके का समाधान होना चाहिए वो केवल लॉकडाउन का असर नहीं है, गवर्नमेंट मैकेनिज्म का भी है। अब जो ये थाली और घंटा बजा रहे हैं, हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, रोजगार पैदा करने के लिए ये अवेयर करना चाहते हैं, ये इफेक्टिव मैं तब मानूंगा कि जब ये रात को 9:09 पे थाली और घंटा बजा लेंगे, तो 9:10 में मैं देखना चाहूंगा कि कितने रोजगार पैदा हो गए, कितने लोगों को नौकरी मिल गई। पहली चीज, ये इफेक्टिव मैं तब मानूंगा कि जब ये रात को 9:09 पे थाली और घंटा बजा लेंगे, तो 9:10 में मैं देखना चाहूंगा कि कितने रोजगार पैदा हो गए, कितने लोगों को नौकरी मिल गई। पहली चीज, फर्क को समझिए, वो एक बचाव के लिए था, ये एक जागरूकता कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि जैसे थाली बजाने से रोजगार मिल जाएगा। उस वक्त थाली बजाने से डेफिनेटली लोगों के अंदर जागरूकता आई, लोगों की जान बची। रही बात -24% की जो इन्होंने बात की है, मैं उससे एग्री करता हूं, मैं मानता हूं कि हाँ इकोनॉमी में स्लो डाउन हुआ है, स्लो डाउन नहीं, निगेटिव चली गई है। ओवरऑल अगर साल भर की इकोनॉमी अगर आप देखेंगे, अभी जब मार्केट खुलेगी तो वो स्लाइट पॉजिटिव में 2-2.5% तक चला जाएगा। फर्क क्या है मैं बताता हूं, ऐसा नहीं है कि भारत, स्पेशली आजाद भारत के इतिहास में पहली बार इकोनॉमी माइनस में गई है, यानी जीरो के नीचे। आप इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया उठा के देखिएगा, जीडीपी की अगर आप उसमें देखिएगा ईयर वाइज, तो हाईएस्ट -5% गई है। ये नोट कर लीजिए फिगर, हाईएस्ट -5% पहले के दशकों में भी गई है, सन 70 में, सन 65 के दशक में, 80 के दशक में गई है। और उस वक्त का -5% और आज का -24% आप लगभग एग्रीगेट बराबर मानिए, यानी प्रॉब्लम तब भी हुई थी जबकि उस वक्त लॉकडाउन नहीं था, उस वक्त इकोनॉमी ओपन थी, मार्केट एक्टिविटी ओपन थी, जबकि उस वक्त लॉकडाउन नहीं था, उस वक्त इकोनॉमी ओपन थी, मार्केट एक्टिविटी ओपन थी। तो इसको आप इकोनॉमी के मुद्दे से समझिए, हर स्तर पर देखा जाए। एक मिश्रा जी, मैं बोलता हूँ सरकार का पक्ष मत लीजिए, अगर यहाँ पे सपा भी होती, क्या सपा थी तब? जाहिर सी बात है, जब मुद्दा इस तरह से गंभीर हो, जब देश की युवा का संबंध हो, तो ऐसे में इस तरह से जो पार्टियां लगातार करती हैं आरोप प्रत्यारोप, वो इस माहौल में कम से कम नहीं करना चाहिए। नंबर तीसरी चीज, अभी श्रीमान महोदय ने एक बात बोली कि मैं देखना चाहूंगा, मिश्रा जी ने बोला कि मैं देखना चाहूंगा 9:10 पे कितने रोजगार जनरेट हो गए हैं। तो श्रीमान महोदय, आपको मैं ये भी बात बता दूं
कि रोजगार जनरेट होने के लिए, सरकार को जगाने के लिए ये मुहिम चालू की गई है। आपने पटरी दुकानदारों के लिए आपने क्या किया, आपको सारी चीजें डेटा आपको पूरी तरीके से बताना पड़ेगा। सर मैं बता रहा हूँ सारा डेटा, मैं तो अंग्रेजों के टाइम से डाटा लेके बैठा हूँ और उठा रहा हूँ। बेरोजगारी एक ऐसा कौन सा राक्षस बन गया है कि विपक्ष की भी सरकारें 50-60 साल रही, बीजेपी भी रही, क्या कोई मैकेनिज्म आप नेताओं के पास है कि केवल भाषण देना और घंटा और घड़ियाल बजवाना है? बहुत बढ़िया मिश्रा जी बात कर रहे हैं। बेरोजगारी आपके नजरों में, बेरोजगारी आपके नजरों में बड़ी चीज नहीं होगी, लेकिन जो हमारे हमारे जो साथी हैं, हमारे जी, जो लोग बेरोजगार हैं, अभिषेक जी रोकना चाहेंगे। अनुराग भदौरिया जी कुछ कह रहे हैं, एक मिनट अनुराग जी को लेते हैं। लेकिन संपूर्ण स्वराज मिलने के बाद 70 सालों के बाद भी नेताओं के चक्कर में संपूर्ण रोजगार नहीं मिला, संपूर्ण रोजगार आप पार्टियां सारी मिलके कब देंगे? चलिए एके मिश्रा जी, सबको बताए कितनी पार्टियों ने नौकरी की बात कही और कितनी धरातल बराबर मिली है युवाओं को नौकरी। अनुराग जी, एके मिश्रा जी, अनुराग जी बोलिए जी, अनुराग जी आप बोलिए। ये पूरे देश की बात है। मिश्रा जी से आज से आप आवाज देना पड़ेगा जी। अनुराग जी, हैसियत नहीं है कि सरकार के खिलाफ बोल पाए, जब थाली मोदी जी ने बनाई थी तो मिश्रा जी कहां थे? किसकी हैसियत नहीं है कि सरकार के खिलाफ बोल पाए? मैंने तो बोला ना कि मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से बोल रहा हूँ। संपूर्ण स्वराज के बाद संपूर्ण रोजगार का आंदोलन कब चलेगा? संपूर्ण स्वराज के बाद संपूर्ण रोजगार का आंदोलन कब चलेगा? कि ये घंटा घड़ियाल आप लोग केवल बजा के चुनावी आंदोलन कर रहे हैं? संपूर्ण रोजगार का आंदोलन आप लोग कब चलाएंगे और अपने अपने टाइम पे क्यों नहीं काम किया आप लोगों ने? आपके हिम्मत नहीं है, इतना सीख रहे हो ना सत्ता को? अश्वनी जी एक मिनट में आ रही हूँ आपके पास। अश्वनी जी, गांधी कलाज में सत्ता को देना है ना विपक्ष को देना है, अपनी बात को मजबूत तर्क और सीजन के साथ रखना है। मैंने आपको बताया स्वतंत्र भारत के इतिहास में 5 बार जीडीपी माइनस में गई है, तो उसका भी मैं सवाल पूछूंगा कि क्यों गई जीडीपी में माइनस, आज क्यों गई और पहले भी क्यों गई? मैं चार लोगों से पूछूंगा। अनुराग जी, अनुराग जी, ये सिर्फ चर्चा बीजेपी के कार्यकाल को लेकर नहीं है। अनुराग जी, ये अभी हाल फिलहाल की चर्चा नहीं है, ये काफी वक्त की चर्चा है, जब शायद आपकी भी सरकार रही होगी। आपकी आवाज बंद हो गई है, आपकी बहस को अनुराग जी डिरेल करना चाहते हैं और मैं बोलना चाहूंगा। हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ, मिश्रा जी मैं रोकना चाहूंगी आपको। अश्वनी जी, ऋतु जी, अश्वनी जी बोलिए, आप बोलिए। आप दिखाई नहीं पड़ेगी, ऋतु जी नहीं आपकी सवाल पूछने की, अच्छा आपके सवाल पूछे मुझसे मत बोलिए। ऋतु जी मैं बोलना चाहूंगा कि आज देखिए विपक्ष की क्या स्थिति हो गई है, कि हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ एक पत्रकार की हैसियत तक देखी जा रही है, वो भी आपके जैसे चैनल पर बैठकर। मैं इसकी निंदा करता हूँ, अनुराग जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो आज ये बैठकर बहस को डील करना है। अनुराग जी, अनुराग जी आपको साफ करना पड़ेगा हमें ये कि ये अभी 2 से 4 साल की बात नहीं हो रही है बेरोजगारी को लेकर। सर ये बहुत पहले से आपकी बीएसपी की, कांग्रेस की जब भी सरकारें रही होंगी तब से बेरोजगारी चली आ रही है। देखिए हमारे देश में लॉकडाउन से पहले ही 8% की हमारे पास 7.5% की दर थी, जो 45 साल में सबसे ज्यादा थी बेरोजगारी की। क्या कभी ऐसा हुआ? 45 साल बहुत होते हैं। 7.5% की जीडीपी हाईएस्ट नहीं थी, आप गलत बोल रहे हैं। आजादी के बाद अपना डाटा करेक्ट करके आइए। जब सपा की सरकार थी तब तो नौकरियां पा रही थी, मेरे घर भी पढ़े लिखे तो हैं लोग नौकरी में लग गए हैं। आजादी के बाद से 11% की हाईएस्ट जीडीपी गई है, अभी तो बताओ 10% की जीडीपी तो 4 बार गई है। सर आपको ये भी बताना पड़ेगा इनफॉर्मल सेक्टर कितनी रोजगार देता है, आप ये बताना पड़ेगा। अनुराग जी, अनुराग जी आपने चौथे स्तंभ को आज हैसियत बताई है,
आप निंदा के पात्र हैं, आपको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए मिश्रा जी से। अनुराग जी आपको माफी मांगनी चाहिए मिश्रा जी से, आपने उनकी हैसियत चैनल पर बैठ के आपने की बात कोई किसी की बात कहना अगर अनुचित है, अगर आंकड़े बताए हैं और आपने उनकी हैसियत देखने का काम किया है तो इससे पता चलता है कि कितनी मगरूर सरकार थी आपकी, कितनी खुली छूट थी आप लोगों को नहीं करने की किसी